उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। मिशन 2024 को फोकस लेकर रखते हुए यहां पर बीजेपी ने पश्चिम में पार्टी के बड़े जाट चेहरे और योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह को कमान सौंप दी गई है। भूपेंद्र सिंह यहां पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद 2 दिनों तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। यहां उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। मुलाकात के इस सिलसिले के बाद जो है कयास लग रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश आएंगे और फिर देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत को साधने की तैयारियों में वो जुट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है। लखनऊ से दिल्ली तक कई दिनों तक बैठकों के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक रूप से चुन लिया है। भूपेंद्र चौधरी के पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के कयास तब से लगने शुरू हो गए थे जब वो अपने आजमगढ़ दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे। कल चौधरी की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात हुई, जिसके बाद पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया गया। शीर्ष नेतृत्व ने जेपी नड्डा ने अब मुहर लगा दी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो। आपको बता दें कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है के ट्वीट के बाद उनके नाम की चर्चा होने लगी थी, हालांकि उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में 1 साल तक चले आंदोलन में जाट समुदाय ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र चौधरी की पकड़ का ही नतीजा रहा कि यूपी के पिछले चुनाव में बीजेपी ने भले ही पूर्वांचल में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं हासिल की, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद भी शानदार जीत मिली थी। चौधरी की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से प्रभावी जाट समुदाय को साधने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बीजेपी चौधरी के सहारे क्षेत्रीय संतुलन भी साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।